आपके सामने लेकर के आए हैं कृतिका पुस्तक में पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पार्ट को लेकर के आए हैं। पूरक पुस्तक है कृतिका में से तीसरा पार्ट है, जिसमें कि आपके 5 नंबर के प्रश्न में 4 नंबर के उत्तर आते हैं। इसमें तो इसके लेखक है जगदीश चंद माथुर। जगदीश चंद माथुर जी ने इस पाठ में उस सामाजिकता, उस रूढ़वादिता की ओर जोड़ दिया है, जहाँ पर एक तरफ लोग लड़कियों के लिए शिक्षा देते हैं, दूसरी तरफ जब लड़की की विवाह की बात आती है तो उसकी शिक्षा को छिपाते हैं। क्यों छिपाते, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या हक है? तो इस पर हमारे लेखक जगदीश चंद माथुर जी ने लिखा है कि लड़की और लड़का को जब समान शिक्षा देता है माता पिता, तो विवाह के समय छिपाना उसकी क्या मजबूरी को दर्शाता है। इसी मजबूरी को लेकर आए हैं हमारे यहाँ के लड़की के पिता हैं रामस्वरूप जी, और उनके साथ उनका नौकर है, और उमा है लड़की जिसकी शादी का रिश्ता है, और प्रेमा है लड़की की माँ, गोपाल प्रसाद है लड़की के पिता, और शंकर है लड़का। तो यहाँ पे लड़की और लड़के के रिश्ते की बात को लेकर के हमारे जगदीश चंद माथुर जी ने लिखा है कि जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो किस तरह से घरों में तैयारियां होती हैं। रामस्वरूप लड़की के पिता हैं, वे अपने घर को पूरी तरह से सजा रहे हैं, ड्राइंग रूम को अच्छी तरह से ठीक कर रहे हैं, और अपने नौकर रतन से कहते हैं कि भाई सब सामान ठीक से करो, वहाँ हारमोनियम ला के रखो, तखत पे सफ़ेद चादर बिछा दो। इस तरह से ड्राइंग रूम को सजाते हैं। हम कहते हैं जब हमारे घर में कोई आता है, मेहमान आते हैं, तो हम लोग उस तरह से उनके नाश्ता पानी का भी इंतजाम करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे किया जा रहा है, साज सज्जा से सजाया जा रहा है। और जो प्रेमा है, जो कि रामस्वरूप की पत्नी है, प्रेमा को बुलाते हैं और कहते हैं प्रेमा इधर आओ। प्रेमा आती है और प्रेमा से कहते हैं कि भाई अपनी लड़की को समझा देना कि तरीके से सलीके से वो आएगी, थोड़ा पाउडर वाउडर लगा लेगी और अच्छे से रहेगी। अब यहाँ पर प्रेमा का क्या कहना है? प्रेमा कहती है कि भाई लड़की तो वो होती है जो एक पाउडर ऑर्डर में रमी होती है, लेकिन आपकी बेटी तो आपने सर पे चढ़ा रखा है, वो तो पाउडर ऑर्डर से दूर हो, इन सबके पास भी नहीं जाना चाहती है। क्यों? यहाँ पर ये हो रहा है कि रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए तक की डिग्री दिलाए हुए हैं, और जिस लड़के के लिए वह शादी कर रहे हैं, लड़का है शंकर, वह मेडिकल की तैयारी कर रहा है, बीएससी कर रहा है, और लड़के के पिता गोपाल प्रसाद एक वकील हैं। तो बात आती है मान सम्मान, इज्जत मान प्रतिष्ठा की बात आती है। तो इस पर लड़की का पिता सोचता है कि भाई मुझे अच्छा घराना लेना है। अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि देखो तुम चुप ही रहना, कुछ बोलना नहीं लोग के सामने, इतना अच्छा घराना मिला है, नामी वकील हैं, और लड़का उनका जो है मेडिकल तैयारी कर रहा है, प्रतिष्ठित आदमी है, और बड़ा घर है उनका, बेटी जो है उमा वहाँ पर बड़ी खुश रहेगी। तो इस तरह से कहते हैं बड़े बड़े मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता आया है, और उस पर भी अगर वो लोग आए और तुमने कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा, सारा दिया खड़ा मेरा व्यर्थ हो जाएगा। और मैंने उन लोगों से ये नहीं बताया है कि ये जो है उमा जो है बीए पास है, मैंने ये कहा है कि बस ऐसे ही मैट्रिक तक पास है, पढ़ी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने उसकी इसकी शिक्षा को यहाँ पर छिपाया है। अब आप सोचिए कि रामस्वरूप ने शिक्षा को क्यों छिपाया अपनी बेटी को? एक तरफ वो बीए की डिग्री दिला रहे हैं, उच्च शिक्षा दिला रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं कि शिक्षित समुदाय में जाए, और दूसरी तरफ ये लड़की जब विवाह की बात आती है तो लड़की के पिता से ये छिपा रहे हैं। उसका कारण यही हो सकता है कि मजबूरी। कैसी मजबूरी? वो मजबूरी ये है कि गोपाल प्रसाद नहीं चाहते हैं कि जो उनकी बहू आए वो ज़्यादा पढ़ी लिखी आए। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू आएगी तो वह घर का कामकाज नहीं देखेगी, लिपस्टिक क्रीम पाउडर में लगी रहेगी, और जब देखो तक बाहर जाएगी, नौकरी करेगी, और अच्छी तरह से घर को संभाल नहीं पाएगी, बाल बच्चों को नहीं देख पाएगी, सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, और अपने पति का ख्याल नहीं करेगी। इस तरह से तमाम तरह की सोच वाले हमारे गोपाल प्रसाद जो घटिया सोच वाले हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी आए। अपने बेटे को पढ़वा रहे हैं कि बहू को नहीं चाहते कि ज़्यादा पढ़ी लिखी आए, अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी आएगी तो वो मान सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन ये गलत है, ये गलत सोच है। ये पहले के लोगों की ऐसी सोच थी, वे अपने मान प्रतिष्ठा के लिए बहू बेटियों को पढ़ाते थे, पढ़ती थी, लेकिन बहू बेटियों को पढ़ाती थी, पर वही बहू जब बेटी बहू बन के जाती थी तो बहू को आगे घर से बाहर निकलने के लिए मना करते थे और कहते थे कि नहीं बाहर नहीं जाना है,
क्योंकि ये हमारी मान मर्यादा को ठेस पहुंचेगा। हम इतने गरीब नहीं है कि अब बहू की ही कमाई से हमारा घर का खर्चा चलेगा। ये पहले के लोगों की ऐसी सोच थी, लेकिन आज हमारे समाज में एक परिवर्तन आया है। आज हमारे शिक्षा को जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। आज हमारे समाज में परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर देखिए हम बात आए कि राम सब अपने घर को सजाते हैं और रतन नौकर से कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक कर देना। प्रेमा को बुलाते हैं कि नाश्ता पानी सब तैयार है। प्रेमा बोलती है हाँ नाश्ता पानी जो है सब कुछ तैयार है सब कुछ, लेकिन हाँ टोस्ट के लिए बटर नहीं है, मक्खन नहीं है। तो मक्खन के लिए वो रतन से बोलते हैं, राम सर बोलते हैं भाई रतन जल्दी से जाओ और तुम मक्खन ले आओ। ये तो एंड टाइम पर बोलती है। इस तरह से कहकर वो अपनी पत्नी को डांटने लगते हैं। अब उनकी पत्नी कहती है ठीक है ठीक है मंगा लो करके बोल देती है। जैसे ही रतन बाहर जाता है वैसे ही देखता है बोलता है साफ साफ कोई आया, लगता है वो लोग आ गए करके रतन बाहर चला जाता है मक्खन लेने। ठीक दरवाजे की आवाज आती है तो गोपाल प्रसाद देखते हैं बाहर। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को लेकर खड़े हैं शंकर को, और शंकर ऐसे पेहनाव करके खड़ा हुआ है। फिर रामस्वरूप जो है कहते हैं आइए 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 स्वागत है। इस तरह से स्वागत करते हैं, लड़की के पिता है छुप करके स्वागत करते हैं। रामस्वरूप जो है स्वागत करते हैं और प्रेमा अंदर रहती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि औरतें घर के अंदर ही रहती है, पुरुष उनका स्वागत करते हैं। ऐसा पहले के लोगों का ऐसा मानना होता था कि औरतों को बाहर नहीं निकल दिया जाएगा। पहले पराए मर्दों के सामने किसी के सामने बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो क्या हुआ कि गोपाल प्रसाद जो है देख करके शंकर को देख कर रामस्वरूप बड़े गदगद होते हैं और बैठाते हैं और बैठा कर उनका स्वागत करते हैं। और गोपाल प्रसाद और शंकर चूड़ा देख कर घूम घूम के घर का ऐसे कमरे का मुआयना करते हैं, देखते हैं। फिर कहते हैं कि आपस में एक दूसरे में सारे से बातें करते हैं। इतनी देर में रामस्वरूप दोनों की वार्तालाप होती है। वार्तालाप के दौरान जो है अब अतीत की तरफ जाते हैं। गोपाल प्रसाद बार बार पे बोलते हैं हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था। आजकल के लड़के हैं ठीक से खाते नहीं हैं, देखो कैसे हो गए हैं। जब नाश्ता पानी आ जाता है तो गोपाल प्रसाद यह क्या कहते हैं तो खाने लगते हैं। कहते हैं हम लोग तो एक साथ ढेर सारी कचौड़ियाँ खा जाते थे। रामस्वरूप भी बोलते हैं हाँ वो तो जमाना ही कुछ और था। इस तरह से दोनों में अपने जमाने के अतीत की बातों की बात करते हैं। थोड़ी देर में रामस्वरूप अंदर जाते हैं चाय के लिए। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि ठीक से बैठो, लड़के वाले हो, ब्याह करने आए हो, लड़के हो तुम, और जो है यहाँ पर रीढ़ की हड्डी अपनी टेढ़ी करके क्यों बैठे हो, उसको सीधा करो, बैगून को सीधा करो। भाई बैगून सभी तुम्हारे दोस्त लोग कहते हैं इसकी बैगून टेढ़ी हो गई है। क्या करते शंकर को ऐसे बातें, शंकर सीधा बैठता है। फिर राम गोपाल प्रसाद बोलते हैं सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है, अब कुछ काम करके इसकी बात हो जाए, लेन देन की बात हो जाए आए तो। बड़ी लालची किसी के स्वभाव के होते हैं वो हमारे गोपाल प्रसाद। तो इस तरह से क्या करके काम करें इसकी जैसे रामस्वरूप आते हैं कि बातचीत होती है कि बोलते हैं बेटी कैसी है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं बेटी कैसी है। रामस्वरूप कहते हैं थोड़ी देर में आप बेटी को देख लीजिएगा जो है कैसी है बेटी हमारी, आप थोड़ी देर में आ रहे हैं आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा हमारी ये जो घर में देख रहे हैं जो पेंटिंग उल्टी बनी है सारी हमारी बेटी ने ही बनाया है। एक कुत्ते वाली तस्वीर भी हमारी बेटी ने बनाई। इस तरह से करके वो कमरे में इसका दिखाने लगते हैं। अब वो पाप शायद पूछते हैं क्या संगीत के प्रति रुझान है। बोले हाँ संगीत तो बहुत बढ़िया गाती है। तो इस तरह से सब रामस्वरूप अपनी बेटे की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती, बड़े अच्छे घर से संभालती है। शिक्षा की बात को बीच में नहीं लाते हैं। थोड़ी देर में जो है उमा जो है ट्रे लेकर के आ जाती है, पान का ट्रे लेकर आ जाती है, और वह ट्रे लेकर के आ जाती है। उसको देख करके चश्मा उसके आँख में लगा हुआ रहता है। अब उसको देख करके गोपाल प्रसाद कहते हैं चश्मा। रामस्वरूप इतना सुन करके सहम जाते हैं, वो बात को घुमा देते हैं कि बात ऐसी है ना कुछ दिन पहले इसकी आँख में दुखनी आ गई थी तो डॉक्टर ने सलाह दिया था कि इसमें चश्मा लगा, तो इसको चश्मा चढ़ गया था, वैसे इसको चश्मा उसको कोई आँख की समस्या नहीं है। अब वो तो सुंदर नहीं थी, कुछ बोली नहीं उमा, लेकिन फिर रामस्वरूप उसमें जो है बातों बातों जब भी कोई प्रश्न पूछते गोपाल प्रसाद रामस्वरूप उसका जवाब दे देते। गीत गाती हाँ ये मीरा के बहुत बढ़िया पद गाती है, भजन गाती प्रति सुबह उठ के पूजा अर्चना करती है। अपनी बेटी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। गोपाल प्रसाद बोले भाई उसको भी तो कुछ बोलने दो।
तो बोले हारमोनियम सुनाओ सुनाओ गाना सुनाओ भजन सुनाओ जो गाती हूँ प्रतिदिन। तो वो हारमोनियम उठाती है और हारमोनियम उसके सामने रख दिया जाता है और वो गाए तो गाए कैसे, थोड़ा सा देर जो पंक्ति सीखी थी थोड़ा बहुत गाई, उसके बाद गाने लगी। अब गोपाल प्रसाद प्रश्न पूछ रहे हैं, अब इतनी देर में क्या होता है, अब उमर से बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल, और वह तुरंत हारमोनियम छोड़ती और खड़ी हो जाती है कि आप लड़की देखने आए हो कि कोई फर्नीचर की दुकान पे आए फर्नीचर खरीदने आप आए हैं, आप हैं कौन, आप पहले अपने लड़के को देखिए, आपका लड़का जो है रोज लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने के दौरान एक बार उसको लड़कियों से मार भी पड़ी थी। तब वो पास बोलते हैं लड़कों के चक्कर हॉस्टल, इसका मतलब तुम कॉलेज में जाती हो। तब वो कहती है माँ हाँ मैं कॉलेज में जाती हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं बीए पास हूँ, मैं एमए कर रही हूँ, मैं बीए पास हूँ लड़की, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, पढ़ाई लिखाई कोई गुनाह नहीं है। अब राम स्वरूप का चेहरा इतनी थोड़ा झुक जाता है क्योंकि उन्होंने सारी बात तो छिपा के रखी थी कि बेटी हमारी सिर्फ मैट्रिक पास है, यहाँ पर तो माँ का जो अपना आपा खो बैठती है ये कबूल देती है। तब क्या था शंकर जो है खड़ा हो जाता है, इतने में सारी धज्जियाँ मार देती है अम्मा और शंकर की सारी पट्टी खोल देती है, जो भी इसने हॉस्टल में किया था, कैसे लड़कियों के चक्कर लगाता था, कैसे लोगों ने इसे मारा था और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तब से उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी। तो यह देख करके गोपाल प्रसाद जब सुनते हैं तो दाग हो जाते हैं, गुस्से नाग भूले हो जाते हैं और राम स्वरूप जी कहते हैं कि आपने इसीलिए मुझे बुलाया था यहाँ पर, मेरी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था, आपने कहा था हमारी बेटी मैट्रिक पास है और ये तो बीए पास है और जो है सब जानती। यहाँ पर भी देखिए गोपाल प्रसाद अपने लड़के को दोष नहीं दे रहे हैं, अपने लड़के से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बजाय उनकी लड़की पर ही उंगली उठा रहे हैं और दोषारोप कर दे रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्या प्रतीत होता है कि राम स्वरूप जिस चीज को छिपा रहे थे परंतु वह लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने अपने शिक्षा, उसने कहा शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको क्यों छोड़े, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर लड़के पढ़ सकते हैं तो लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, पढ़ा लिखा समाज होगा तो हमारा समाज क्या होगा स्थिर होगा, जिस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी ढांचा से हमारा शरीर का और हमारे मकान जो पिलर लेकर खड़ा करते हैं वो स्थिर रहता है मजबूती प्रदान करता है, उसी तरह से अगर स्त्रियां भी पढ़ी लिखी रहेंगी तो समाज भी हमारा सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। तो इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें जो है शिक्षा पर हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है और हमें अपने अधिकार को प्राप्त करते ही रहना है।